Christians. पुत्रपाद आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम मिले. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम मिले. हम ऐसा उम्मीद करते हैं परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा है. हम ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबों को संभाल करके रखा है. आप सब सही सलामत होंगे और आप सब जन सही सलामत होंगे. सुनने के लिए आपने विश्वास के साथ इंतजार कर रहे होंगे और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सभी तैयार हैं ना? क्या सभी के सभी तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया. आज के वचन की तरफ बढ़ेंगे. आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे. जैसे कि आज का विषय है, जैसे कि आज का हमारा विषय है, सात साल का आने वाला महाकलेश कैसा होगा. जैसे कि हमने लास्ट संडे को सीखा था कि बादलों पर आने वाले हैं, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी जल्दी ही बादलों पर आने वाले हैं. पर चलते होंगे और जितने भी उसके लोग जो है उसके वचनों पर चलते होंगे साथ उठा कर ले जाएंगे. उन सबों को वो बादलों में अपने साथ उठा करके ले जाएंगे. हम सदा के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे और फिर हम सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे. हालेलुया. जब प्रभु जी अपनी पवित्र कलीसिया को बादलों पर उठा करके ले जाएंगे, सात साल का कलीसिया के बारे में बड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा. ध्यान से सुनिएगा, आज का जो विषय है सात साल का महाक्लेश के बारे में आपको बड़े विस्तार के साथ कम शब्दों में ही समझा करके चलूंगा. जब प्रभु जी अपनी पवित्र कलीसिया को स्वर्ग में यानी कि बादलों में जब आएंगे, स्वर्ग में अपने साथ ले जाएंगे, हम सब मिलेंगे, हवा में हम सब मिलेंगे. मैंने पिछले संडे को आपको एक बात बताई थी. मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि उसके बाद यहाँ जमीन में संसार में या तो नामधारी जो मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो रहेंगे. नामधारी जो कहलाते मसीह के हैं पर वचनों पर नहीं चल रहे लोग रहेंगे और दूसरे अविश्वासी लोग रहेंगे, यानी कि जो मसीह पर विश्वास नहीं करते होंगे. सच पूछो तो नामधारी मसीह लोग जो इस दुनिया में रहेंगे ना, वो एक किस्म के अविश्वासी लोग की तरह ही होंगे. वो एक तरह के अविश्वासी लोग की तरह ही होंगे. उसके बाद जब पवित्र कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद इस पृथ्वी पर सात साल का कलेश काल प्रारंभ होगा. उसके बाद इस पृथ्वी पर सात साल का महाकलेश जो है शुरू होगा. सात साल के कलेश काल के बाद, फिर सात साल के कलेश के बाद प्रभु यीशु मसीह जी इस पृथ्वी पर दोबारा से आएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे, 1000 साल का राज्य स्थापित करेंगे और 1000 साल तक अपना जो है राज्य स्थापित करेंगे. हालेलुया. चाहता हूँ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसे तो पवित्र शास्त्र बाइबल में जो महाकलेश के बारे में बहुत जगह पर लिखा गया है, काफी कुछ लिखा गया है कि पृथ्वी पर कलीसिया उठाए जाने के बाद क्या क्या घटनाएं होंगी, कि पृथ्वी पर कलीसिया उठाए जाने के बाद इस संसार में पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या क्या विपत्तियां आएंगी, क्या क्या इस धरती पर स्ताव आएंगे, उन लोगों पर जो इस धरती पर रह जाएंगे. इन सारी घटनाओं को तो नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं इन सारी घटनाओं के बारे में तो नहीं बताऊंगा, इन घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश मैं मोटे मोटे जो है संक्षेप रूप में इनके बारे में बता करके चलूंगा. आइए हम इन सात साल के महाकलेश के बारे में ब्रीफ में सीखेंगे. क्या होगा पहला पॉइंट, क्या होगा? देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जी अपनी पवित्र कलीसिया को बादलों पर यानी कि हवा में उठा लेंगे और स्वर्ग में जब उठा लेंगे, उसके साथ ही साथ एक काम और होगा, उसके साथ ही साथ एक कार्य और होगा. जो पवित्र आत्मा इस धरती पर उंडेला गया है ना, उसको स्थान के मार्ग से हटा दिया जाएगा,
उसको शैतान के रास्ते से यानी कि मार्ग से हटा लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा को भी साथ ही साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, या पवित्र आत्मा को इस संसार से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। यानी कि पवित्र आत्मा शैतान के कार्यों के लिए एक ढाल बनके यानी कि एक रुकावट बनके आगे खड़ा रहता है ना, जैसे कि दुनिया में शांति बनी रहती है, जैसे कि दुनिया में शांति बनी रहती है। जो आज तक दुनिया चल रही है, ये जो आज तक ये दुनिया चल रही है, ये पवित्र आत्मा की शक्ति से ही तो चल रही है। तभी तो दुनिया के कितने देशों में आज भी न्याय का राज है, आज भी सच्चाई है, आज भी सच्चाई है, आज भी ईमानदारी जिंदा है। पर जिस घड़ी जिस समय पवित्र कलीसिया को उठा लिया जाएगा, उसी के साथ साथ पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर क्या करेगा? उसी के साथ साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए क्या करेगा? शैतान के मार्ग से उसको हटा लेगा, शैतान के रास्ते से उसको हटा लेगा, शैतान के मार्ग से उसको हटा लेगा, शैतान के मार्ग से उसको हटा लेगा, आजादी मिल सके, ताकि शैतान को पूरी आजादी मिल सके, गलत काम करने की, स्टाप डालने की, गलत काम करने की, स्टाप डालने की, गड़बड़ फैलाने की, तरह तरह की संसार में गड़बड़ी फैलाने की, यानी कि 7 साल में जो कुछ महाकलेश होगा वो शैतान का ही पूरी तरह राज होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा इसमें संसार में तो होगा, पर वो शैतान के कार्यों में कोई भी रुकावट कोई भी बाधा नहीं डालेगा। आप सोचोगे पवित्र आत्मा फिर करेगा क्या? उस समय में नामधारी लोग जो अविश्वासी लोग इस संसार में बचेंगे, उनको कायल करेगा, उनको वो कायल करेगा, उनको उनके पापों के लिए कायल करेगा, उनको उनके पापों के लिए गुनाहों के लिए कायल करेगा, उनको कहेगा कि तुम परमेश्वर की ओर फिरो। कितने लोग उस समय परमेश्वर की ओर फिरेंगे भी? अब जितने लोग कलीसिया उठाए जाने से पहले अपने मनों को नहीं फिराएंगे, यानी कि प्रभु को नहीं मानेंगे, कितने लोग अपने हृदयों को कठोर करके रहेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में थोड़ा उठाए जाएंगे, चाहे वो मसीह लोग चाहे वो गैर मसीह लोग। पर उसके बाद उनको 7 साल का जो महाकलेश होगा उसमें से गुजरना पड़ेगा, से गुजरेंगे, और वो जो लोग होंगे उनको जिसमें से महाकलेश में से गुजरना पड़ेगा, पवित्र आत्मा उनसे बात करता रहेगा, शैतान को नहीं रोकेगा पवित्र आत्मा, उन शैतान को काम करने से या अपनी गड़बड़ी फैलाने से, उनका स्टाप करने से उनको वो नहीं रोकेगा, पर लोगों के मनों को परमेश्वर की ओर जरूर फेरता रहेगा। और कितने लोग उस समय फिरेंगे भी, मैं आपको और बता करके चलूंगा, यानी कि एक बात याद रखें, कलीसिया का स्वर्ग में उठाया जाना उसी उसी समय पवित्र आत्मा का जो है शैतान के कार्यों में जो बाधा डालता है रुकावट डालता है उसको हटाना, यानी कि पवित्र कलीसिया का स्वर्ग में उठाया जाना, पवित्र आत्मा का शैतान के पक्ष से हटाया जाना, और पवित्र आत्मा का शैतान के कार्यों से हटाया जाना एक ही समय पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा को शैतान के कार्यों में रुकावट डालने से रोक देगा। पवित्र आत्मा को कहेगा कि अब ये जितने भी मर्जी लोगों के प्रस्ताव लेकर आए, संसार में गड़बड़ी डाले, कितने भी गलत कार्य करे, इसके कार्य में बाधा नहीं डालने, बस पवित्र आत्मा का काम उस समय जो लोग रह जाएंगे उनको परमेश्वर की ओर फेरना होगा। ये अलग बात है कितने लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे, कितने लोग नहीं फिरेंगे। पवित्र आत्मा को मिशन परमेश्वर की अपनी कलीसिया के लोगों को इस मार्ग
परमेश्वर ने इस समय पवित्र आत्मा को अपने लोगों को जो है परमेश्वर के कार्य करने के लिए यहाँ पर भेजा है। जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा, फिर पवित्र आत्मा जो ढाल बनकर कवच बनकर अपने लोगों के सामने खड़ा है ना, शैतान के सामने खड़ा है, वो शैतान को रोकता है, उसको पीछे कर देगा। हालेलुया। पहला काम तो ये होगा, जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, जो कलेश काल होगा विश्वव्यापी होगा, या फिर केवल एक मसीह लोगों के ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश के ऊपर या मसीह लोगों के ऊपर ही होगा। आज जैसे कि लोग संसार में कहते हैं कि इनका मसीह आएगा, ये जाने खुद ही जाने। याद रखिए, अभी कुछ भी वो लोग कहते रहे, जो 7 साल का कलेश काल होगा, और जो 7 साल का कलेश होगा वो सिर्फ एक देश या मसीह लोगों के ऊपर ही नहीं होगा, उसमें सभी लोग जो है रहते होंगे वो साफ से गुजरेंगे, चाहे वो इस धरती के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों, चाहे वो अपने आप को मसीह कहलाते होंगे, वो गैर मसीह कहलाते, ये सभी के ऊपर आएगा। दुनिया के लोग इस बात को माने चाहे ना माने, बेशक आज दुनिया की सरकारें, दुनिया के लोग इस बात को माने चाहे ना माने, मैं आपको जितना भी बताऊंगा वचन में से आपको बताता। देखिए, ये जो है स्ताव होगा, विश्वव्यापी होगा, सारे संसार के ऊपर होगा। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय जो स्क्रीन पे आ रहा है उसकी 10 आयत। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। देखिए, परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम करके रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखिए, परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या कहते हैं, मैं तुझे उस परीक्षा के समय तक बचा करके रखूंगा, जो कि इस दुनिया में सब रहने वालों के ऊपर आने वाले हैं। देखिए, परमेश्वर क्या कहते हैं, देखिए ये थोड़ा ना कहते कि सिर्फ मसीह लोगों के ऊपर आएगी, पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर आएगी। ये सारा जो है विश्वव्यापी जो है महाकलेश होगा। सोच लीजिए, जो पवित्र आत्मा इस धरती पर काम कर रहा है, कम से कम अभी दुनिया में न्याय का राज है। हम अपने न्याय के लिए कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं, हम अपने न्याय के लिए सरकार के पास, नेताओं के पास जा सकते हैं, ऑफिसर के पास जा सकते हैं। पर उस समय क्या होगा, कोई न्याय का राज नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा क्या, जब उठा लिया जाएगा ना आप सोच लीजिए, जब पवित्र आत्मा अलग कर दिया जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, उस वक्त का शासन क्या होगा, तो उस समय का शासन क्या होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ये विश्वव्यापी स्ताव होगा, यानी कि महाकलेश का स्ताव होगा। सोचता है कि मैं उसमें से गुजरूंगा, नहीं, हमारे देश पर स्ताव नहीं आएगा। दुनिया का अगर कोई भी देश, कोई भी मंत्री, कोई भी लोग सोचते हैं कि ये स्ताव, ये महाकलेश हमारे लिए नहीं होगा, हमें इनसे से गुजरना नहीं पड़ेगा, विश्वव्यापी होगा। वचन में से हमने पढ़ा है कि ये विश्वव्यापी होगा। अब तीसरा पॉइंट, 7 साल का होगा ये कलेश काल जो है, 7 साल का होगा। जिस समय, जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, उस दिन के बाद 7 साल गिन लेना, 7 साल का कलेश काल, 7 साल का महाकलेश होगा। ठीक 7 साल जब कलेश काल के पूरे हो जाएंगे, जब ठीक 7 साल महाकलेश के हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। मैं आपको वो भी आगे बताकर दूंगा,
सात साल का होगा। ये महाकलेश जो है विश्वव्यापी जो होगा सात साल का होगा। पहले साढ़े तीन साल जो महाकलेश होगा ना, जो मसीह विरोधी होगा ना, कम कलेश करेगा। जो लास्ट के साढ़े तीन साल होंगे, वो जो लास्ट के साढ़े तीन साल होंगे, उसमें महाकलेश दुनिया में होगा। उसमें महाकलेश जो है दुनिया में होगा, महासताप दुनिया में होगा। उसको कंट्रोल करने वाला पवित्र आत्मा जो है उसको मार्ग से हटा लिया जाएगा। अब देखिए, पढ़ लीजिए डैनियल 9 अध्याय उसकी 27 आयत। डैनियल ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा। देखिए, ये डैनियल ने जो बात करी है प्रधान वाली, ये प्रधान मैं आगे जाकर बता के चलूंगा, ये मसीह विरोधी होगा। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग, इसी आपको पढ़ दीजिए, पढ़िए। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। क्या करेगा ये प्रधान? देखिए क्या करेगा, बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। बहुतों के साथ दृढ़ जो है वाचा बांधेगा। कितने दिन के लिए? एक सप्ताह के लिए। आप सोचेंगे एक हफ्ते या एक सप्ताह का मतलब? एक सप्ताह का मतलब हम जब आत्मा इसको सोच के विचार के चले, ये सात दिन का मतलब सात साल का मतलब। अब जब हम आत्मा में सोच करके चले, ये एक सप्ताह यानी कि सात दिन का नहीं, सात साल का होगा। सात साल को दर्शाते हैं, यानी कि सात दिन आत्मिक तौर पे सात साल को दर्शाते हैं। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। बस देखिए, सात साल की वाचा बांधेगा। देखिए, पहले वो सात साल की जो है वाचा बांधे। मैं इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 1 और 2 में भी देखेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। क्या कहता है देखिए, यूहन्ना प्रभु का दास क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला यूहन्ना क्या कहता है? मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले। उसको क्या कहा गया? उसको क्या कहा गया? परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। मंदिर के बाहर का जो आंगन है उसे तू छोड़ देना। उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। जो बाहर का आंगन है उसको दिया गया? जो बाहर का आंगन है वो किसको दिया गया? अन्य जातियों को दिया गया। अन्य जाति का मतलब कि उस समय के दुष्ट विरोधी को, उनको 42 महीने तक दिया गया। उसको 42 महीने तक दिया गया है। 42 महीने के साल बना लो। अब 42 महीने के साल बना लो। 3 साल और 6 महीने बन गए। लास्ट के साढ़े तीन साल को उसको रोन देंगे, यानी कि लास्ट के साढ़े तीन साल तक उसको रोन देगी। मैंने आपको बताया सात साल के महाकलेश के जो पहले साढ़े तीन साल होंगे ना, उसमें जब मसीह विरोधी आएगा वो इस संसार में शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। उसमें भी कलेश काल तो संसार में होगा, स्थाप काल तो होगा, पर वो थोड़ा कम होगा। जो लास्ट के साढ़े तीन साल होंगे, देखिए वचन में हमने क्या पढ़ा, 42 महीने तक अन्य जाति जो है इस मंदिर को रोन देंगे। साढ़े तीन साल जो लास्ट के होंगे, बड़ा महाकलेश काल, यानी कि साढ़े तीन साल जो सात साल के लास्ट वाले साढ़े तीन साल होंगे वो महाकलेश के होंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जो आज उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको मार्ग से हटा दिया जाएगा, उसको तो उस रास्ते से हटा दिया जाएगा। यानी कि शैतान को, दुष्ट आत्मा को, मसीह विरोधी को पूरी तरह से आजादी होगी। वो
करेगा, पूरी तरह से संसार में अपने राज्य को स्थापित करेगा। किसी की सच्चाई की, ईमानदारी की, खराई की कोई भी कदर नहीं होगी। अभी तो आप देखते हैं इस संसार में सच्चाई की, खराई की, ईमानदारी की वैल्यू है, बहुत जगह नहीं भी है, बेशक बहुत जगह पर नहीं भी है, शैतान को कंट्रोल कर रहा है, पर फिर भी पवित्र आत्मा जो है शैतान को इस दुनिया में कंट्रोल कर रहा है। ये हो गया तीसरा पॉइंट, क्लेश काल 7 साल का होगा, कि ये क्लेश काल जो होगा 7 साल का होगा, उसी दिन शुरुआत हो जाएगा जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, उसी दिन शुरुआत हो जाएगी जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी। चौथा पॉइंट, अब चौथा पॉइंट, पवित्र कलीसिया को इस क्लेश काल में से गुजरना नहीं पड़ेगा, पवित्र कलीसिया को इस महाकलेश में से गुजरना नहीं पड़ेगा। जो ये कलीसिया इस वक्त तैयार हो रही है, जो इस समय कलीसिया तैयार हो रही है, जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर रहते हैं, और जितने भी लोग इस दुनिया में संसार में रहते हैं, सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करते हैं, जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, इस सारी कलीसिया को परमेश्वर उस महाकलेश से पहले ही उठा लेगा। कई प्रचारक या कई विश्वासी क्या कहते सुने जाते हैं, कलीसिया को भी उसमें से गुजरना पड़ेगा, नहीं कलीसिया को भी उस ताप में से गुजरना पड़ेगा, जो लोग परीक्षा में से सही निकलेंगे, फिर जो लोग परीक्षा में से सही निकलेंगे उन्हीं को परमेश्वर ऊपर उठाएगा। सोच कर देखे, एक बार सोच करके देखे, वर्तमान कलीसिया के लोग हैं, हम जितने भी वर्तमान कलीसिया के लोग हैं, साल से चाहे कोई 10 साल से चाहे कोई 50 साल से, चाहे कोई पिछले 6 महीने से विश्वास करता है, कोई पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 6 साल से, 10 साल से विश्वास करता है, कितने भी चाहे वर्षों से विश्वास प्रभु पे करता है, कभी से तो परीक्षा से गुजर रहा है, उसके ऊपर पता नहीं कितनी अजमाइशें आई होंगी, कितना उसको अपने परिवार की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से स्टार जो सेना पड़ रहा होगा, उसको बीमारियों का या कष्टों का सामना करना पड़ रहा होगा, एक तरह से परमेश्वर उनकी अभी समय जो है उनकी परीक्षा ले रहा है, उनकी तो परीक्षा बहुत बड़ी हो रही है, पर परमेश्वर उनको इस परीक्षा में से नहीं गुजरने दे, 7 साल का कलेश होगा ना, जो 7 साल का महाकलेश होगा ना, उसमें से अपनी कलीसिया को नहीं गुजरने देगा। मैं आपको कुछ बाइबल में से आयतें बताकर चलूंगा कि परमेश्वर उस महाकलेश के समय से पहले ही अपनी कलीसिया को उठा लेगा। जब पवित्र कलीसिया को उठा लेगा तब भी तो पवित्र आत्मा को शैतान के रास्ते से हटा देगा और शैतान को पूरी आजादी दे देगा, ताकि उसकी पवित्र कलीसिया को उस महाकलेश में से ना गुजरना पड़े। देखिए लूका 21 अध्याय उसकी 36 आयत में प्रभु का सेवक क्या कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखिए प्रभु का दास क्या कहता है, देखिए प्रभु का सेवक यहाँ पर क्या कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। देखिए प्रभु के दास के कहने का मतलब क्या है, घटनाओं से बचने के लिए योग्य बन जाओ, उन सारी घटनाओं से बचने के लिए परमेश्वर के योग्य बन जाओ, यानी कि आत्मिक रीति से जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बच सको। इसमें साफ पता लगता है कि परमेश्वर अपने लोगों को, पवित्र कलीसिया को उस घटनाओं से बचाना चाहता है, सारी घटनाओं से पहले ही अपनी कलीसिया को ले जाना चाहता है। अब रोमियो 5 अध्याय उसकी 9 आयत में भी देख लीजिए, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। देखिए प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहर गए तो उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे,
करेंगे? तो हम उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे? प्रभु का दास संत पौलुस किस क्रोध की बात कर रहा है? क्रोध की बात कर रहा है उस समय की, वो क्रोध की बात कर रहा है जो 7 साल का क्रोध परमेश्वर दुनिया पे बरसाएंगे, जो 7 साल का क्रोध प्रभु इस दुनिया पर बरसाएंगे। उस क्रोध से हम क्यों नहीं बचेंगे? प्रभु का दास कहता है उस क्रोध से हम क्यों ना बचेंगे? प्रभु का दास ये नहीं कहता कि उस क्रोध में से हम निकलेंगे या निकल कर बचेंगे, ये कहते हैं कि उस क्रोध से हम क्यों ना बचेंगे। क्योंकि प्रभु के दास संत पौलुस के कहने का मतलब, जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए कि हम उसके क्रोध से जो है बच जाएंगे, हम उसके क्रोध से पहले ही प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। देखिए और एक जगह पर संत पौलुस प्रभु का दास क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसकी 10 आयत। देखिए संत पौलुस क्या कहता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठकर स्वर्गों को चला गया है, उसकी इंतजार करते रहो जो हमको किससे बचाता है, जो हमें किससे बचाता है, आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। यानी कि संत पौलुस के कहने का मतलब, जो आने वाले समय में क्रोध आएगा, परमेश्वर का प्रकोप भड़केगा, कलेश काल आएगा, उससे हमें बचाएगा, उससे वो हमें बचाएगा, उससे पहले उठा ले जाएगा, यानी कि उससे पहले हमें उठा ले जाएगा। हालेलुया। और इसी अध्याय की 5वां चैप्टर उसकी 9 वर्स भी पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। देखिए प्रभु का दास मंदोल पर क्या कहता है, परमेश्वर ने जो हमें चुना है, अपने भक्त बनाया है, अपनी संतान बनाया है, वो उस क्रोध के लिए थोड़ा ना बनाया है कि हमें कलेश काल में से फिर में से गुजारे, हमें अपने उद्धार करने के लिए बचाया है। बचाया है किस लिए बचाया है, कि वो हमारा उद्धार करे। देखिए कोई दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जब बारात लेकर जाता है, अगर उधर जाके कहे कि मैं तेरी पहले बहुत पिटाई करूंगा, तेरे को पहले परीक्षा में डालूंगा, मुझे मैं चेक करूंगा तुम्हारे आगे बोलती है कि नहीं बोलती, रोती है कि नहीं रोती, किस प्रकार का प्रेम, किस प्रकार का प्रेम, अगर कहे कि मैं तुझे पहले खूब पीटूंगा, 6 महीने तक तेरे को बीमारियों में डालूंगा, तकड़ा दुश्मनों के हाथों में दूंगा, फिर तुझे ब्याह करके ले जाऊंगा। किस प्रकार का दूल्हा है ये, किस तरीके का दूल्हा? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुमको उस क्रोध से पहले ही उठा लूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं, हमारा दुल्हा ऐसा नहीं, जो उस क्रोध के बीच में से गुजारे, जो हमको उस क्रोध में से गुजारे, तो उस क्रोध से बचाना चाहता है, तो उस क्रोध से हमें बचाना चाहता है। ये अलग बात है, कोई बचना नहीं चाहता। हाँ ये अलग बात है कि कोई बचना नहीं चाहता, कोई प्रभु के साथ ठीक नहीं चलता, कोई उस महाकलेश में से गुजरना चाहता है, प्रभु के साथ ठीक नहीं चलेगा, उसको तो इसमें से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है किसी का अपना जन कोई उठा लिया जाए और वो खुद इस महाकलेश में से गुजरना पड़े। मैं पिछले संडे आपको बताया, एक जन उठा लिया जाएगा और एक जन जमीन पर छोड़ दिया जाएगा। दो लोग खेती कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक को खेत में ही छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है किसी के पत्नी को उठा लिया जाए, किसी का पति जो है जमाइश में से गुजरे, किसी के दो बच्चे हो, दो बेटे हो, एक बेटे को उठा लिया जाए और एक बेटे को अजमाइश में से गुजर, तो
सकता है? ये तो हम पर डिपेंड करता है। आपका एक बच्चा प्रभु के साथ ठीक नहीं चलता, अगर आपका एक बच्चा प्रभु के साथ ठीक नहीं चलता, उसको यहाँ पर 7 साल के क्रिश काल में गुजरना पड़ेगा, उसको इस 7 साल के महाकलेश में से गुजरना पड़ेगा। और हो सकता है जब 7 साल के महाकलेश में से वो गुजरे, उस वक्त जो विपत्तियां आएंगी, उस समय जो विपत्तियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, शैतान उनको सताएगा, तरह तरह के स्ताव होंगे, हो सकता है उस समय वो अपने कानों को पकड़े, वो कहे प्रभु जी मैं तो गलतियां कर दी, फिर कहे कि प्रभु जी मैंने बहुत गलतियां कर दी, मैं तो अब तुझे मानूंगा, मुझे बचा ले, नहीं। पर फिर उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं। पांचवा पॉइंट आपको बताकर चलूंगा, कलेश काल के समय में जितने भी लोग प्रभु की ओर फिर जाएंगे, हो सकता है वो उस कलेश काल के समय में, स्ताप के समय में पश्चाताप करें, तोबा करें, और वो अपने मन को फिराने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा उनको मन फिराने का अवसर दे, बेशक वो मन फिरा ले, उस वक्त कोई फायदा नहीं होगा, पर उस समय उनको कोई भी फायदा नहीं होगा, पीड़ाओं में से गुजरना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि उनको पीड़ाओं में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि शैतान के अजमाइशों से उनको बचाने वाला फिर कोई ना होगा, पवित्र आत्मा नहीं होगा, जो पवित्र होगा जरूर, पवित्र आत्मा होगा तो जरूर, पर उनको अजमाइशों से नहीं बचाएगा, पवित्र आत्मा का काम उनको सिर्फ परमेश्वर की ओर फेरना होगा, उसमें जो लोग मसीह की ओर फिर भी जाएंगे उनको भी पीड़ाओं में से गुजरना पड़ेगा। पहल पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 17 आयत। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया और वह समुद्र के अजगर किसको बोला गया? शैतान को। शैतान स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी संतान से लड़ने के लिए गया। परमेश्वर की संतान से लड़ने के लिए गया, बेशक वो प्रभु को मानते होंगे, उस समय फिर चुके होंगे, फिर भी शैतान उनसे लड़ेगा, कितना भी वो परमेश्वर का डर मानते शैतान को पूरी इजाजत होगी, मसीह विरोधी को पूरी इजाजत होगी, कोई जो उस समय प्रभु को भी मानता होगा उसको भी वो सताएगा। हालेलुया। मैं 6ठा पॉइंट एक और आपको बताता हूँ, जब शैतान उस समय जो मसीह के लोग होंगे, जो मसीह में अपना मन फिरा चुके होंगे, उनको भी सताएगा, तो जो अन्य जाति लोग होंगे, भक्तिहीन लोग होंगे, अधर्मी लोग होंगे, उनको क्यों नहीं सताएगा? शैतान उनको भी सताएगा, मसीह विरोधी उन लोगों को भी सताएगा, उनको भी वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। से गुजरना पड़ेगा, उनको भी भारी कलेश में से गुजरना पड़ेगा, संकटों में से गुजरना, भयानक संकट में से गुजरना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर 17 आयत तक। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खुओं में और चट्टानों में जा छिपे। देखिए किसके बारे में बताया गया है, पृथ्वी के राजा कोई भी क्यों ना होंगे, प्रधान और प्रधान सरदार होंगे, और सरदार धनवान क्यों ना होंगे, कितने भी धनी लोग क्यों ना होंगे, कितने सामर्थी लोग क्यों ना होंगे, जाकर छुपेंगे पहाड़ों की खो में, जाकर वो छुपेंगे उस कलेश काल के डर के मारे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो। वो पहाड़ों और चट्टानों को क्या कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, हमको मार दो,
और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा लो। और कहेंगे मेमने के प्रभु यीशु मसीह के इस प्रकोप से हमें बचा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। वो कहेंगे उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, कौन बच सकेगा। उस दिन का जो भयानक समय है जो आ पहुंचा, मेमने का भयानक दिन जो है आ पहुंचा। बेशक आज भक्तिहीन लोग, अधर्मी लोग प्रभु से नहीं डरते। उस दिन क्या करेंगे वो? पर वो उस दिन क्या करेंगे? सभी सामर्थी लोग, पृथ्वी के प्रधान लोग, राजा लोग, कितना भी कोई बड़ा क्यों ना हो, कितना भी अपने आप को कोई बड़ा क्यों ना कहे, उसे चट्टानों से कहेंगे, वो पहाड़ों से चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो। सिंहासन पर जो बैठा है, उस मेमने के सिंहासन पर जो बैठा है, सिंहासन पर जो मेमना बैठा है, क्रोध से हमें बचा लो। कौन बचा सकता है? अब हमें कौन बचा सकता है? उस भक्त अंत जाति भक्तिहीन लोग जितने होंगे उन पर भी स्थाप आएंगे। उस समय भक्तिहीन लोग, अधर्मी लोग, अन्य जाति लोग होंगे, उन पर ये भारी बकाव का समय आएगा। क्योंकि जब शैतान को उन मसीह लोगों को भी सताने की इजाजत होगी, जो 7 साल के महाकलेश के समय प्रभु की ओर फिरेंगे, जब मसीह लोगों को सताने की इजाजत मिलेगी, तो वे गैर मसीहों को क्यों नहीं सताएगा? 7 साल के इस काल में कुछ रखना तो बहुत ही भयानक होगा। यानी कि उस 7 साल के महाकलेश के दौर से गुजरना तो बहुत ही भयानक होगा। उस समय किसी की सुनवाई नहीं होगी, किसी की कोई वैल्यू नहीं होगी। हम जितना मर्जी सच्चाई पर चलने वाले हों तो भी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। जितना मर्जी आप वफादारी बरते उस पर कोई वैल्यू नहीं होगी। जितनी मर्जी उस समय ईमानदारी खराई पर बरते पर उसकी कोई भी कदर नहीं होगी। सातवां पॉइंट एक और बताता हूँ। जब पवित्र आत्मा को हटा दिया जाएगा, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ऊपर ले जाएंगे, साथ ही साथ पवित्र आत्मा को कहेंगे तो इसके रास्ते से हट जा, यानी कि शैतान के मार्ग से हट जा। शैतान को ओपनली छूट मिलेगी दुनिया को सताने की, यानी कि शैतान अपनी मर्जी से उनको सताएगा। शैतान को पूरी मर्जी मिलेगी, पूरी इजाजत मिलेगी कि वो जैसा मर्जी करे। बाइबल कहती है कि उस समय एक ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य जो है इस धरती पर खड़ा होगा, किस देश का होगा, कौन होगा ये नहीं पता, वो किस देश से होगा, कहाँ का होगा, कौन सा राजनीतिक लीडर होगा, कौन सा राजनीति लीडर होगा। उसको बाइबल पाप का पुरुष कहती है, उसको बाइबल पाप का पुरुष कहती है, उसको विनाश का पुरुष कहती है, यानी कि उसको विनाश का पुरुष कहती है। इंग्लिश की बाइबल में उसको एंटी क्राइस्ट बोलती है, मसीह का विरोधी, एकदम प्रकट होगा दुनिया के सामने। क्योंकि अभी भी जो मसीह का विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, दुनिया में पैदा तो हो चुका है। हो सकता है उसकी सोच भी ऐसी बनी हो, हो सकता है वो छुप छुप के काम भी करता हो, पर अभी वो खुले आम पे जो है स्टाफ पैदा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अभी एक रोकने वाला है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है। रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मैं आपको वचन में से बताकर चलूंगा। पर पवित्र आत्मा जब हटा दिया गया उसके मार्ग से, फिर उसको पूरी तरह छूट होगी, और सारे संसार को तब उसके बारे में पता चल जाएगा। उस समय वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र जो है, पूरी तरह से खुले तौर से दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये मसीह का विरोधी है। और मैं आपको बताऊंगा कि वो कुछ बातें कि वो क्या क्या करेगा। पहले पढ़ लीजिए 2 थिस्सलुनीकियों 2:3-4
किसी रीत से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। देखिए प्रभु का दास संत पुरुष क्या कहता है, देखिए प्रभु का दास संत पुरुष क्या कहता है, जब तक वो पाप का पुरुष प्रकट ना हो जाए, इसके धोखे में ना रहना, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, हालेलुया, किसी के धोखे में ना आना, आगे जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर, इसकी 6 और 7 आयत को बढ़े जी, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। देखिए तुम उस वस्तु को जानते हो, देखिए तुम उस वस्तु को भी जानते हो जो उसको अभी रोक रहा है। वस्तु कौन सी है, वो वस्तु कौन सी है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उसको छूट नहीं दे रहा, तो क्या भी स्ताव फैलाने, पवित्र आत्मा भी इसको छूट नहीं दे रहा इस संसार में स्ताव डालने की, बेशक दुनिया को पता नहीं, दुनिया के लोग, दुनिया के लीडर, दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग इस बात को बेशक जानते नहीं, पवित्र आत्मा उसको रोक रहा है, कि पवित्र आत्मा उसको रोक रहा है, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, वो अपने ही समय पर प्रकट होगा, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, क्योंकि जो अधर्म का भेद है अब भी अपना काम करता जा रहा है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक रोकने वाला है, हमने पढ़ा कि अब भी एक रोकने वाला है, ध्यान से सुनिए जो मैंने आपको पहले बताया था, अभी एक रोकने वाला है, जो अभी उसको रोक रहा है, जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, जब तक उसको वो रोकने वाला दूर ना हो जाए, यानी कि जब तक पवित्र आत्मा को उसके रास्ते से हटा नहीं लिया जाए, तब तक पवित्र आत्मा उसको रोके रहेगा। हालेलुया, वचन कितना स्पष्ट कहता है, जब ये मसीह व्यक्ति जो मसीह विरोधी जो है प्रकट होगा, और ये मसीह विरोधी प्रकट कब होगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके रास्ते से हटा दिया जाएगा, जब आत्मा को उसके रास्ते से हटा लिया जाएगा, मसीह विरोधी दुनिया के सामने प्रकट होगा, फिर ये मसीह विरोधी जो है दुनिया के सामने प्रकट होगा, क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, इज़राइल के साथ 7 साल के लिए शांति की वाचा बांधेगा, हम सारे देश में शांति पैदा करते हैं, कहेंगे कि हम सारे देशों में जो है शांति पैदा करते हैं, 7 साल की वाचा बांधेगा, वो 7 साल की वाचा बांधेगा, जिसमें आपको बताया 7 साल का क्लेश काल होगा, मैंने कि आपको बताया कि 7 साल का महाकलेश होगा, इस मसीह विरोधी का जो राज होगा इसका 7 साल का राज होगा, यानी कि जो इसका राज होगा मसीह विरोधी का, एंटीक्राइस्ट का, वो 7 साल का राज होगा, 7 साल के लिए खुला छोड़ा जाएगा, इसको 7 साल के ही खुला छोड़ा जाएगा, 3.5 साल के बाद क्या करेगा, पर ये 3.5 साल के बाद क्या करेगा, 3.5 साल में शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा, पहले 3.5 साल में वो शांति की स्थापना करने की कोशिश करेगा, शांति स्थापित करने में सफल नहीं होगा, पर जब शांति स्थापित करने में सफल ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 3.5 साल के बाद क्या करेगा, 3.5 साल के बाद वो क्या करेगा, इज़राइल के साथ जो शांति की वाचा बांधी थी ना, उसको तोड़ देगा, उसको वो तोड़ देगा, यानी पहले वो शांति के राजा में संसार में प्रकट होगा, देखिए दुनिया में बेशक कलेश काल तब भी होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा होगा नहीं, दुनिया में एक लोग जो है दूसरे लोगों को मारेंगे, काटेंगे, स्ताव करेंगे, होगा जो ये मसीह विरोधी का असली जो महाकलेश का समय होगा, जो असली रूप प्रकट होगा ना, 3.5 साल के बाद, वो 3.5 साल के बाद होगा, डैनियल की किताब 9 अध्याय उसकी 27 आयत में हम पढ़ेंगे, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, क्या करेगा, ये प्रधान क्या करेगा, मसीह विरोधी को प्रधान कहा, एक सप्ताह
सत्ता के लिए बहुतों के साथ वाचा बांधेगा, इज़राइल के साथ अनेकों देशों के साथ वाचा बांधेगा एक हफ्ते के लिए। मैंने आपको बताया कि एक सप्ताह का मतलब कि सात साल है, सात साल के लिए वाचा बांधेगा। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। आधा सप्ताह यानी कि साढ़े तीन साल बीतने के बाद, सप्ताह बीतने के बाद यानी कि जो सात साल का समय है उसका आधा समय साढ़े तीन साल बीतने के बाद तो मेल बलि और अन्न बलि को क्या करेगा, बंद कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी वाचा को तोड़ देगा क्योंकि शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, सारे वो अपनी वाचा को नियम को तोड़ देगा। वो फैसिलिटीज लोगों को देता था, वो देने का प्रॉमिस जो कर रहा है सब कुछ ही वो बंद कर देगा, सारे वो समझौतों को तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह विरोधी क्या करेगा, फिर ये मसीह विरोधी क्या करेगा, पूरी दुनिया का तानाशाह बनने की कोशिश करेगा, सिर्फ एक देश का नहीं सारी दुनिया का। देखिए सारी दुनिया का भी प्रधानमंत्री कोई नहीं, सारी दुनिया का राष्ट्रपति अभी कोई नहीं, सारी दुनिया की कोई संस्था तो हो सकती है पर सारी दुनिया का भी प्रधानमंत्री कोई। ये मसीह विरोधी क्या करेगा, बेशक जो पहले से परमेश्वर की योजना है उसी के तहत करेगा, परमेश्वर की योजना के बाहर जाके वो कोशिश करेगा, सारी दुनिया का तानाशाह बनने की कोशिश करेगा। पर इसकी कोशिश यही रहेगी कि सारी दुनिया की एक ही सरकार हो, एक ही सरकार, सारी दुनिया का एक ही प्रधानमंत्री, एक ही बड़ा लीडर हो। और इसकी कोशिश एक और रहेगी कि सारी दुनिया में एक ही धर्म हो, एक ही धर्म बनाने की कोशिश करें। मैं पहले आपको बताइए, किसी का धर्म नहीं मानेगा, किसी की देवी देवताओं को नहीं मानेगा, किसी के प्रधानमंत्री को नहीं मानेगा, कोई भी इसके खिलाफ चलेगा तो उसको लटका देगा, यानी कि उस समय इसकी पूरी पूरी मनमानी होगी, फिर ये साढ़े तीन साल बीतने के बाद ये और ज्यादा गुस्से में हो जाएगा। फिर जो यरूशलेम का मंदिर होगा ना उसको अशुद्ध करेगा, उसको ये अशुद्ध करेगा, अशुद्ध करने का मतलब मूर्ति स्थापित करेगा, उसमें अपनी ही मूर्ति को स्थापित करेगा और उसमें जाकर अपने आप को ये परमेश्वर घोषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दानियल की किताब 11 अध्याय उसकी 31 आयत में क्या लिखा है, तब उसके सहायक खड़े होकर दह पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, उसके सहायक क्या करेंगे, अशुद्ध करेंगे पवित्र स्थान को, वो अपवित्र अशुद्ध करेंगे, उसके सहायक किसके सहायक, उसी विरोधी के सहायक, पवित्र स्थान यानी कि यरूशलेम का जो मंदिर होगा ना उसको ये अशुद्ध करेंगे और अशुद्ध करेंगे, वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, उस घृणित वस्तु को खड़ा कर देंगे और वो नित्य होम बलि को बंद करेंगे और उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। घृणित वस्तु क्या है यहाँ पर, घृणित वस्तु हो सकता है उसकी मूर्त को कहा गया, उसको वो खड़ा कर देंगे, उस मसीह विरोधी की मूर्त को उस मंदिर में खड़ा कर देंगे। तब उसके सहायक खड़े होकर दह पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, जो उजाड़ करा देती है, घृणित वस्तु जो यहाँ वहां पर खड़ी होगी, समझो उस समय अंत आने वाला है। ये मसीह विरोधी ऐसा करेगा, ये
जब हम दूसरा थिसलन की दो अध्याय उसकी चार आयत में देखते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, देखिए जो विरोध करता है ये उसी मसीह विरोधी की बात कर, हर एक से जो अपने आप को ईश्वर यानी कि पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक अपने आप को बड़ा कहलवाता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, यहाँ तक कि जो वो परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा ना, अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा, वो पता क्या कहेगा, मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई परमेश्वर नहीं, मेरी ही पूजा करो, करेगा अगर कोई जो पहले परमेश्वर की आराधना करते थे उस समय वो आराधना करेगा तो उन सभी को वो बहुत सताएगा, वो कहेगा सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरी मूर्ति लग गई, अब मेरी ही उपासना करो, अगर कोई उसकी उपासना नहीं करेगा तो उसको वो कत्ल कर देगा, उसको सताएगा। देखिए कैसा वो कलेश काल होगा, फिर वो यरूशलेम एक बड़ा सा मंदिर बनाएगा, उसमें मूर्ति स्थापित करेगा और वो कहेगा कि सभी को यहाँ पर मेरी आराधना करना जरूरी है, सारी दुनिया को कहेगा कि मेरी आराधना करो मेरे मंदिर में आकर। देखिए कितना गंभीर वो समय होगा, कितना बड़ा कलेश काल होगा, जैसे कि पहले भी हम पढ़ा दो थे स्लुनिकियों के अंदर, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा, काम और करेगा मसीह विरोधी, दुनिया को वो अपने पीछे लगाने के लिए झूठी सामर्थ्य जो उसके पास होगी वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को भी दिखाएगा, क्योंकि वो झूठा मसीह होगा, मसीह विरोधी होगा, उसके पास भी सामर्थ होगा, क्योंकि परमेश्वर उसको सामर्थ भी देगा, फिर उसके चमत्कारों को दुनिया जो संसार जो है टेलीविजन के द्वारा या अन्य जगह पर देखेगी, और काफी समय उस समय जो कच्चे तौर पे मसीह होंगे या जो अन्य जाति होंगे उसके चमत्कारों को देखकर परमेश्वर के चमत्कार समझकर उसके पीछे लग जाएंगे, यानी कि उस समय झूठी सामर्थ्य जो है बड़ी काम करेगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय की 9 से 12 तक पढ़ लीजिए। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। जो अधर्मी आएगा मसीह विरोधी आएगा, शैतान की झूठी सामर्थ के साथ आएगा, लोगों को धोखे में डालेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। हालेलुया। उस वक्त के लोगों में क्या करेगा परमेश्वर, उस समय के लोगों में क्या करेगा, क्या भेजेगा, क्या भेजेगा, धोखा देने वाली सामर्थ को भेजेगा, धोखा देने वाली सामर्थ को भेजेगा, क्या भेजेगा, पीछे पढ़ो, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रीति नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, उनके बीच में, क्योंकि उन्होंने सत्य से सच्चाई से प्रेम नहीं किया, और भटका देने वाली आत्मा को उनके बीच में भेजेगा ताकि लोग उस पर विश्वास करें, क्योंकि जो लोग सत्य पर विश्वास जिन्होंने सच्चे मसीह की ओर अपना मनों को नहीं फिराया, परमेश्वर कहेगा फिर इसी पे विश्वास कर लो ताकि तुम्हारा नाश हो जाए, ताकि मैं तुमको नरक में डाल दूं। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 13 आयत।
और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। देखिए झूठा मसीह क्या करेगा, ये मसीह विरोधी क्या करेगा, बड़े बड़े चिन्हों को दिखाएगा, यहाँ तक कि स्वर्ग से आग भी बरसा देगा, क्योंकि परमेश्वर इसको सामर्थ्य देगा, बड़े बड़े चिन्ह दिखाने की सामर्थ्य देगा। लोग इसके पीछे लग जाएंगे, जैसे आज लोगों को कोई भी चमत्कार करने वाला बाबा मिल जाए, कोई भी पास्टर मिल जाए, लोग उसके पीछे लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि परमेश्वर ही ये कर सकता है, पर ये नहीं पता कि झूठी सामर्थ्य भी ऐसा कर सकती है। फिर ये मसीह विरोधी क्या करेगा, गुस्से में हो जाएगा, ना वो गुस्से में हो जाएगा, को पता लगेगा कि हमारा ना अंत निकट है, ये परमेश्वर के विरुद्ध भी बोलेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। पढ़ लीजिए डैनियल की किताब 11 अध्याय उसकी 36 और 37 आए। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, चलेगा। उस समय राजा जो मसीह विरोधी है अपनी ही मर्जी के अनुसार चलेगा और अपने काम को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, अपने कामों को सब देवताओं से ऊंचा ठहराएगा। जितने भी देवी देवताओं की आज वैल्यू समझी जाती है, आज उनकी वैल्यू हो सकती है, पर उस समय कोई वैल्यू नहीं है। ये मसीह विरोधी तो सब देवी देवताओं से अपने आप को बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा, सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अनोखी अलग सी बातें बोलेगा, अनोखी बातें कहेगा, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए जी, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, कि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है जी। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, पुरखाओं के देवताओं की कोई भी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पुरखा जो है उस देवता को मानते थे, सिर्फ अपने में ही परमेश्वर नजर आएगा। न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा, अपने आप को ही सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। हालेलुया। देखिए ये किसी की परवाह नहीं करेगा, ईमानदारी की कदर नहीं, उस समय कोई सच्चाई की ईमानदारी की कदर नहीं, दान चंदे की कोई कदर नहीं होगी। अब ये काम और करेगा, 666 का अंक जो है इस संसार में फैलाएगा, उस समय कैश का लेन देन जो है बंद कर देगा, और जिसके माथे पर 666 की मोहर होगी बस लोगों को कहेगा बस इसी से लेन देन करो। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 18 है। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया। हालेलुया। 666 के अंक से तो जब लेन देन शुरू कर दे, 666 के अंक को देखकर ही दुनिया से लेन देन जो है शुरू कर दे। ज्यादा डिटेल प्रभु ने चाह फिर मैं आपको बताऊंगा। ये जो मसीह विरोधी होगा पूरी दुनिया में बहुत ही हल्ला मचा देगा, आतंकवाद फैला देगा, उसको सताएगा, कोई इसके खिलाफ बोलेगा तो ये उसको पूरी तरह सताएगा, उसको मार देगा, उसका कत्ल कर देगा, उसको फांसी पे लटका देगा, और कोई किसी की अगर उसकी पूजा नहीं करेगा उसको भी लटका देगा, ये कुछ भी कहेगा उस समय संसार को मानना पड़ेगा। उतने जितने भी मसीह लोग उस समय परमेश्वर को मानते होंगे उनका भी कत्ल कर जाएगा। क्या करेगा? एक बात और लास्ट में क्या करेगा, जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 16 में देखते हैं। जब अंत होने वाला होगा, युग का जब अंत होने वाला होगा, 7 साल का क्रिश्चियन जब खत्म होने वाला, यानी कि 7 साल का कलेश जब खत्म होने को आएगा, दुनिया के राष्ट्रों को ये अपने कब्जे में कर लेगा, काफी
फिर ये काफी राष्ट्रों को मसीह विरोधी के कहने पर इकट्ठा करेगा। शैतान जो होगा मसीह विरोधी के कहने से काफी राष्ट्रों को इकट्ठा करेगा, और एक हर मगदोन जगह और उस जगह पर सबको इकट्ठा करेगा कि आओ हम सब मिलकर के प्रभु के जो लोग हैं उनके खिलाफ युद्ध को करें। सारी सेनाओं को इकट्ठा कर लेगा, सारी अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर लेगा। बस समझ लेना तब इसका अंत आने वाला है। ये कोई कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जो है प्रभु के लोगों के खिलाफ युद्ध करे? ये सारे राष्ट्रों की सेनाओं को जो है इकट्ठा कर लेगा, और मकदोन जो है इज़राइल में एक जगह है, वहां पर सबको ये इकट्ठा कर लेगा। और हर मकदोन में बहुत बड़ी जगह है, सब राष्ट्र की सेनाओं को वहां पर इकट्ठा कर लेगा। इसको पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। बेशक अभी जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, हमें पता नहीं कब आएगा, पर उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना, सब लोगों को पता होगा। जब 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, सभी को चिन्ह दिखाई देंगे। आपको बताऊंगा कि उस समय के चिन्ह क्या होंगे। ये सभी के सभी इज़राइल में इकट्ठे हो जाएंगे। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 16:16 है। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगदोन कहलाता है। हालेलुया। हर मगदोन में सबको इकट्ठा कर लेगा। अगर हम जकरिया की किताब 14:2 में पढ़े, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया, नगर और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। हालेलुया। उस समय सारे राष्ट्रों की सेनाओं जो है परमेश्वर से लड़ने के लिए आएंगी, युद्ध करने के लिए आएंगी। दुनिया का अंत होने वाला, बस समय लेना, फिर दुनिया का जो है अंत होने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह फिर दूसरी बार आएंगे। उस बार प्रभु यीशु मसीह जी फिर से दूसरी बार आएंगे। मैंने आपको पिछले संडे एक बात बताई थी, प्रभु यीशु मसीह 2 चरणों में आएंगे। एक चरण में कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, और दूसरे चरण में इस संसार में 1000 साल का जो है राज्य स्थापित करने के लिए आएंगे। परमेश्वर के अलौकिक तरीके से संसार में आएंगे, अपने स्वर्ग दूतों के साथ, अपनी पवित्र कलीसियाओं के साथ आएंगे, और जितने भी मसीह उस टाइम विरोधी लोग होंगे, और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते नहीं होंगे, दुष्ट लोग होंगे, उनका नाश करने के लिए आएंगे। पढ़ लीजिए 2 थिस्सलुनीकियों 2:8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा प्रकट होंगे, जब सारे राष्ट्र की सेनाएं इकट्ठी हो जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह दोबारा प्रकट होंगे अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा, उस मसीह विरोधी को जो दुष्ट के लोग हैं जो प्रभु को नहीं मानते, उनको भस्म करने के लिए। हालेलुया। उन सबको भस्म कर देंगे, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, सभी के सभी मसीह विरोधी जो है खत्म कर दिए जाएंगे, मसीह विरोधी की ताकत को खत्म कर दिए जाएंगे। सिर्फ दुनिया में मसीह का ही राज होगा। बाइबल में लिखा है कि मसीह जो है उस समय 1000 साल का राज्य स्थापित करने के लिए आएंगे। उसके बारे में फिर कभी डिटेल से बताऊंगा। भी प्रकाशित वाक्य की किताब 20:2-4 तक हम पढ़ेंगे। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस समय शैतान को इब्लीस को 1000 वर्ष के लिए बांध देंगे और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। उस समय अथाह कुंड में उनको डाल देंगे, जिसको 7 साल के लिए आजादी मिली है ना, 1000 साल के लिए फिर से बांध देंगे। उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष तक के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जितने क्लेश काल के समय में उस मूर्ति की ना तो पूजा करेंगे ना ही 1666 की मोहर अपने माथों पर लगेगी, बेशक उनका कत्ल कर दिया जाए। वो सारे के सारे जो 1000 का राज्य होगा, 1000 साल का उसमें राज्य करेंगे। यीशु मसीह अपनी पवित्र कलीसिया के साथ दोबारा राज्य, सारी दुनिया में एक अलग तरीके का राज्य होगा। इसके बारे में डिटेल से फिर कभी बताऊंगा। जो हम पढ़ करके चलेंगे मत्ती 24 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 31 आयत तक पढ़ करके चलेंगे। अंत के समय की और निशानियां क्या क्या है, क्या क्या होगा कि 7 साल के कलेश में और क्या क्या होगा। बेशक जितनी भी नबियों की किताबें हैं, प्रकाशित वाक्य की किताबें, बहुत सारे महाकलेश के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं तो आपको बहुत ब्रीफ में समझाया है, पर जो मत्ती की किताब में हम पढ़कर चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों से खुद बोला था कि उस समय की निशानियां क्या क्या होंगी। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखिए चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से क्या पूछा, क्या चिन्ह, हमें बता कि इस जगत के अंत का और तेरे आने का चिन्ह क्या होंगे, कि तेरे आने का और जगत के अंत का। दो बातें चेलों ने पूछी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या कहा, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, 7 साल के कलेश में आकर बहुत सारे मेरे नाम के कारण तुम्हें भरमाएंगे। जैसे मसीह विरोधी कहेगा मैं खुद परमेश्वर हूं, मैं ही मसीह हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम भरमाने में मत आना। उस समय लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, 7 साल के महाकलेश में लड़ाइयां ही लड़ाइयां होंगी। तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना जरूरी है, आगे परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति हमला करेगी और राज्य पर राज्य हमला करेगा, एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा। अभी तो हमले जो है बहुत दिनों के बाद होंगे, परमेश्वर अभी लोगों को तोबा का समय दे रहा है, पवित्र आत्मा उस दुष्ट को रोक रहा है, उस समय पवित्र आत्मा भी पीछे हट जाएगा। जगह जगह पर लड़ाइयों ही लड़ाइयों की चर्चा सुनिए, एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक देश दूसरे देशों पर हमला करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह पर अकाल पड़ जाएंगे। अभी तो अकाल कभी कभी पड़ते हैं, उस समय जगह जगह पर अकाल पड़ते जाएंगे और भूकंप होंगे, भूकंप भी आएंगे। अभी तो भूकंप कभी कभी आता है ना, उस समय पता ही नहीं चलेगा कि आज इधर भूकंप, कल उधर भूकंप, कल उधर भूकंप। वो कहेंगे कल ही भूकंप आया था आज फिर आ गया,
आ गया। देखो कल उधर भूकंप आया था, आज इधर आ गया। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। सब बातें तो 3.5 साल जो पहले शुरू होंगे आरंभ होगा। 3.5 साल पहले शुरू होंगे, ये तो पीड़ाओं का तब आरंभ होगा। आगे आरंभ होगी तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। उस समय तुम्हें खाम खा बका दिया जाएगा कि तुम मसीह को क्यों मानते हो। तुम्हें पकड़वा देंगे, तुमको मार देंगे, तुम पर कोर्ट केस कर देंगे, तुमको मेरे नाम के कारण मार देंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, उस समय बहुत सारे लोग ठोकर खा जाएंगे। देखिए हम तो प्रभु को मानते फिर भी हमें पकड़वा। बेशक अभी भी बहुत सारे सेवकों को मारा जाता है, पकड़वाया जाता है, पीटा जाता है, पर फिर भी न्याय मिल जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा भी उनकी मदद करता है। उस समय पवित्र आत्मा तो मदद करेगा नहीं। अगर मसीह बंदे को, मसीह विश्वासी को उस समय सताया जाएगा, पवित्र आत्मा तो उस समय उसकी कोई मदद नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को उस समय इजाजत नहीं होगी कि तूने किसी की मदद कर। बस सिर्फ लोगों का परमेश्वर की ओर मन फिराना है और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। देखिए प्रभु ने कहा बहुत सारे नबी झूठे जो है खड़े हो उठेंगे, झूठी झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, लोग उनके पीछे लग जाएंगे। उसको तो भविष्यवाणी का वरदान है, लोग उनके पीछे लगेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग आज भी झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे लगे। कितने लोग झूठे नबियों के पीछे जाना चाहे उनको 100-200 किलोमीटर जाना पड़े, वो चले जाते हैं। उस समय तो गली गली में जो है झूठे भविष्यवक्ता होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उस समय इतना अधर्म बढ़ जाएगा, इतना क्लेश बढ़ जाएगा, इतना स्ताप बढ़ जाएगा, बहुत लोगों का मसीह के प्रति जो है प्रेम ठंडा हो जाएगा, उनकी भक्ति ठंडी पड़ जाएगी, उनकी प्रार्थनाएं खत्म हो जाएंगी। हमें क्या फायदा प्रभु को मानने। देखिए प्रभु की भक्ति करते फिर भी स्ताप हो रहा है। उस समय बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यानी कि कलेश काल में भक्ति करने का कोई भी फायदा उनको नहीं मिलेगा। हाँ अगर भक्ति करेंगे कितना भी कोई स्थाये फिर भी पीछे नहीं मुड़ना। अगर कोई सुनने वाला ये कहता कि मैं भी उस 7 साल के कलेश में से गुजरूंगा, फिर आप अपने विश्वास को इतना मजबूत रखना। कोई भी स्ताए, कोई भी मारे, कोई भी काटे, फिर मुकरना नहीं, फिर भी परमेश्वर आपको प्रेम करेगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो लास्ट तक धीरज धरे रहेगा, चाहे उसको मार दिया जाए, काट दिया जाए, यीशु मसीह के आने तक धीरे धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार जो है सारे जगत में प्रचार कर दिया जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, कितने मसीह प्रचारक कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को भी लेने के लिए आएगा, जब सारी जगत में प्रचार कर दिया जाएगा। अभी भी तब आएगा जब सारी जगत में प्रचार कर दिया जाएगा। आयत जो है तब आपके लिए नहीं लिखी गई, उस समय के लिए लिखी गई। प्रचार हो जाएंगे उस समय पूरी संसार में जो है प्रचार हो जाएगा। प्रचार कर दिया जाएगा जब सारी दुनिया में प्रचार कर दिया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो दानियल के चैप्टर से हमने पढ़ा था ना, जिक्र किया जो उजाड़ने वाली वस्तु का जिक्र किया था,
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसका जिक्र करते हुए कहते हैं, तुम उस वक्त उसको जानने वाली वस्तु को मंदिर में खड़ा देखो। अगर तुम उस समय उजाड़ने वाली वस्तु को पवित्र मंदिर में खड़ा हुए देखो, उजाड़ने वाली वस्तु क्या है? वही मसीह विरोधी की मूरत, वही मसीह विरोधी। जब तुम उसकी मूर्त को मंदिर में खड़ा हुआ देखो, तब तुम जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वे अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। अगर आप कोठे पे चढ़े हुए हो ना, सामान लेने के लिए निचले फिर कमरे में मत आना। और जो लोग खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। जो खेत में हो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय और प्रार्थना किया करो। हालेलुया हालेलुया। कुछ बहन को बच्चा पैदा होने को, उन दिनों में अगर किसी बहन को बच्चा पैदा होने को होगा, कोई बहन छोटे बच्चे को दूध पिलाती होगी, कभी यीशु मसीह कहते हैं उन पर हाय। कैसा महसूस कर रहे हैं कभी यीशु मसीह, देखो वो खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े या सप्त के दिन में भागना न पड़े। प्रार्थना किया करो, यीशु मसीह कहते हैं कि अभी तुम्हें ऐसी प्रार्थना किया करो कि वो जो अंत का समय होगा, जाड़े के ठंड के दिनों में तुम्हें भागना ना पड़े। क्योंकि जाड़े के दिन हम, ठंड के दिन हम अंदर अपने कमरों में घुसे रहते हैं ना। प्रार्थना किया करो कि जाड़े के दिन वो दिन ना आए, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ और न कभी होगा। उस समय इतना भारी कलेश होगा, उस समय इतना भारी कलेश होगा। ये प्रभु यीशु मसीह लास्ट के 3.5 वर्षों की बात है। उस समय इतना भारी महाकलेश होगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना तो जगत से शुरुआत से ऐसा कभी हुआ और ना ही कभी होगा। इतना भारी स्ताप होगा संसार के ऊपर, इतना भारी कलेश होगा, और सिर्फ एक देश या एक राज्य में नहीं, सारी दुनिया में होगा। सारी दुनिया में इतना भारी कलेश होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। प्रभु यीशु कहते हैं अगर वो दिन घटाए ना जाते, कोई भी प्राणी उस कलेश से ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। चुने हुओं का मतलब क्या? उस समय जो लोग तोबा करके प्रभु की ओर फिरेंगे, उनको भी तो प्रभु ने बचाना है ना। उनके कारण वो दिन घटाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु को उनके लिए भी चिंता होगी ना। उस समय यदि तुम्हें कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठा मसीह। अगर कोई तुम्हें उस समय कह दे कि मसीह यहाँ है या मसीह वहाँ है, तो उसका विश्वास उन पर प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। उस समय झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि झूठे मसीह भी खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि आज मैं तुझे प्रभु यीशु से मिला था। प्रभु यीशु मसीह तो वहाँ है, प्रभु यीशु मसीह तो ग्रंथ में है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पिक्चर वाले लोग होंगे। लोग आपको कहेंगे हाँ तेरे को मसीह को मिला था। लोग कहेंगे आज मैं तुझे प्रभु यीशु को मिला था। मसीह तो आ चुका है, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम विश्वास उन पर ना करना। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। कितने चुने हुए लोग जो उस समय तक तकड़ा विश्वास कर लेंगे, वो भी भरमाए जाएंगे। उस झूठे लोगों को, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं को देख करके। देखो मैंने पहले से ही तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना। देखो वह ठिरियों में है, तो प्रतीति ना करना। अगर वो कहे कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में है, उससे मिलने के लिए चलें,
पोल्ट्रियों में है जहाँ उससे मिलने चले, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन पर विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसे बिजली जब आसमान पे गरजती है ना, पूर्व से पश्चिम तक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था? मैं तो चोरी छिपे ना तो पहाड़ों पर आऊंगा, ना किसी जगह मैं खुले तौर पे आऊंगा। सबको पता लग जाता, जैसे बिजली गरजती है सबको पता चल जाता है। बंद हो जाओ, जितनी मर्जी अंदर की कोठरी में बंद हो जाओ, पता लग जाता है, बिजली गरजने का पता चल जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु जी कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट बात क्या कही, सारा कलेश खत्म हो जाएगा। जब सारा कलेश जो है खत्म हो जाएगा, कुछ काम होंगे, फिर सूरज के जो कुछ काम होंगे, आकाश में कुछ काम होंगे, सूरज अंधियारा हो जाएगा, सूरज फिर अंधियारा हो जाएगा। जो सूरज को चमकता हुआ देखते हैं, अंधियारा हो जाएगा, ये बिल्कुल अंधियारा खत्म हो जाएगा, काला हो जाएगा, बिल्कुल काला हो जाएगा, और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, प्रकाश खत्म हो जाएगा, और चंद्रमा की रोशनी जो प्रकाश है वो खत्म होता जाएगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात, अभी कोई तारा गिरता नहीं, अभी कोई तारा गिरता नहीं। कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस समय तारे भी आकाश से गिर पड़ेंगे। और फिर बचोगे कैसे? बचेंगे, तारे भी गिर पड़ेंगे, एक तारा भी गिर गया तो हो सकता है एक देश ही खत्म हो जाए। तारे भी गिर पड़ेंगे, मनुष्य का पुत्र फिर चोरी छुपे नहीं आएगा। अभी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे चोर की मानिंद आएंगे, उस समय चोर की मानिंद नहीं, टाइम को फिक्स करके आएंगे, आकाश के बादलों पर आएंगे, क्या होगा, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की सारी शक्तियां सारी ग्रह को हिला दिया जाएगा, और आकाश की जितनी भी शक्तियां कार्य कर रही सबको हिला दिया जाएगा। आकाश हिलता नहीं ना, अभी तो आकाश हिलता नहीं ना, पवित्र आत्मा की शक्ति से हिलता नहीं, वो सब पवित्र आत्मा की शक्ति से हिलता नहीं, और उस समय आकाश की सारी शक्तियों को हिला दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सारी पावर को अपने ही हाथों में ले लेगा। अभी तो पवित्र आत्मा के हाथों में दी हुई ना, उस समय पवित्र आत्मा के हाथों से आकाश की शक्तियों को हिलाया जाएगा, और मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और पृथ्वी के सारे कुलों के लोग, सब जाति सब वर्ग सब भाषा सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, सब धर्म सब जाति सब वर्ग के लोग उस समय छाती पीटेंगे। अभी बेशक वो कहते हैं कि मसीह को मानते नहीं, मसीह तो ईसाइयों का ही है, अभी कुछ भी बेशक, उस समय जब सब लोग प्रभु यीशु मसीह को आकाश के बादलों पे आते देखेंगे ना, उस समय भी लोग जो जिंदा होंगे छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, मनुष्य के पुत्र को आती हुई उनकी आंखें देखेंगे। अभी जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा कर ले जाएंगे, कभी यीशु मसीह को कोई नहीं देखेगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जब हवा में प्रभु को मिलेगी, वही प्रभु को देखेगी। अगले संडे अगर प्रभु ने चाहा मैं ये डिफरेंस बताऊंगा कि कलीसिया को उठाकर जब लेने आएंगे प्रभु यीशु मसीह इसमें, अब जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसमें अंतर क्या होगा? देखिए मनुष्य के जो पुत्र को आते हुए देखते, एक एक वर्ग एक एक जाति एक एक धर्म के लोग अपनी छाती को पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ आता हुआ देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में लिखा हर एक आंख उसे देखेगी,
और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्ग दूतों को सारी पृथ्वी पर भेजेगा कि जितने भी मेरे चुने हुए लोग हैं, चुने हुए का मतलब पक्की रीति से मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, जिन्होंने ना तो 666 की मोहर लगाई ना प्रभु यीशु का इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग दूतों को क्या है? सारी दुनिया से उनको फटाफट इकट्ठा कर लो, चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। इसके बाद का जिक्र मैं बाद में बताऊंगा। चुने हुए प्रभु यीशु के पास आज सारे के सारे मिलकर 1000 साल तक राज्य करेंगे। दुनिया का एक ही राजा, एक ही प्रधान होगा यीशु मसीह। और जितने भी लोग स्वर्ग से बादलों से वापिस आएंगे और जितने चुने हुए को इकट्ठा किया जाएगा, दुनिया में प्रभु यीशु मसीह उनको इकट्ठा कर लेंगे, सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह उनको इकट्ठा कर लेंगे, राज करेंगे, सबको मिलकर राज करेंगे। आपके हाथ में आपको कौन से उसमें प्रवेश करना? अब आपके ऊपर हाथ में है कि आपको किस में होकर प्रवेश करना। तो अभी तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाने में, 7 साल के क्रिसमस काल में से गुजरना पड़ेगा, या तो 7 साल के उस महाकलेश में से गुजरना पड़ेगा। विश्वास करोगे? अगर उस समय विश्वास करोगे, कलेश में से गुजरना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह उठा तो आपको लेंगे, पर कलेश काल में से गुजरना पड़ेगा। खत्म कर दिया जाए, हो सकता है उस समय बर्दाश्त ना हो, सहन ना किया जाए, हत्या कर दी जाए, मारा जाए। उस कलेश काल के बारे में और अगर आप बाइबल में पढ़ोगे ना, परमेश्वर के 6 अध्याय से लेकर 18-20 अध्याय तक आप पढ़ोगे ना, उसके में लिखा है कि बिजलियां गिराई जाएंगी, मन के ओले गिरेंगे, दुनिया को नष्ट कर देंगे, बचने का कोई रास्ता ही नहीं हो। अभी तो पवित्र आत्मा है जो हम सबको बचाए हुए है, पवित्र आत्मा भी समझा रहा है। उस कलेश काल में कोई समझाएगा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं होगा, आपके हाथ में है। सो ये आपके हाथों में है। बंद कर लो, आंखें बंद कर ले, प्रभु के वचन को सुना है, जिन्होंने प्रभु के वचनों को सुना है उसे पश्चाताप कर लो, प्रभु से पश्चाताप कर लो, प्रभु से कह दो, प्रभु से कह दो, मैं 7 साल के कलेश काल में से नहीं गुजरना चाहता, प्रभु जी मैं 7 साल के महाकलेश में से नहीं गुजरना चाहता, उसको अभी तैयार कर लो, दुल्हन बन के तेरे 7 बादलों पर उठाया जाना, मैं तो तेरी दुल्हन बनकर तेरे 7 बादलों पर उठाया जाना चाहता हूँ, प्रभु जी मैं उस रैप्चर की बादलों पे तेरे आए जाने की उड़ीक कर रहा हूँ, ताकि मैं भी जीवित उठा लिया जाऊँ, हवा में आपसे मिलूं। उस कलेश काल के बीच में से गुजरना नहीं चाहता, प्रभु जी मैं उस कलेश काल के बीच में से गुजरना नहीं चाहता, मुझको ऐसा तैयार कर प्रभु, प्रभु जी मुझे तैयार कर। 7 साल के कलेश काल में गुजर के विश्वास किया तो क्या फायदा? मैंने अगर 7 साल के कलेश में से गुजर के तुझ पर विश्वास किया तो उसका क्या फायदा? हो प्रभु जी मेरे विश्वास को अभी बढ़ा, अभी से मुझे तैयार कर, अभी मुझे मेरे पापों से आजाद कर, अभी मुझे अपने वचन पर चलना सिखा, मुझे पवित्रताई पे चलना सिखा, मुझे अपनी पसंद का जीवन जीना सिखा, अभी मुझे अपने योग्य बना प्रभु, 7 साल के कलेश में से ना गुजरना, ताकि मुझे 7 साल के कलेश में से मत गुजरना पड़े, लिया जाएगा मैं तब 7 साल के कलेश काल में से गुजरूंगा। मैं नहीं चाहता कि जब पवित्र आत्मा कलीसिया को, पवित्र आत्मा इस जगह से उठा लिया जाएगा, उसको शैतान के कार्यों को करने के लिए इजाजत दे दी जाएगी, मैं उस कलेश काल से नहीं गुजरना चाहता, अभी तेरे 7 बादलों पर उठाया जाना चाहता, मैं तो प्रभु जी अभी तेरे 7 बादलों पर उठाया जाना चाहता हूँ, सभी के सभी पश्चाताप कर ले, माफी मांग ले, प्रभु से माफी मांग ले, तैयार हो जाओ प्रभु के लिए, तैयार हो जाए, छोटी सी प्रार्थना करो, छोटी सी प्रार्थना करो, अपने हाथों में लेकर चला, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने इस ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना की आपके स्वर्ग राज्य में कबूल हो जाए, जितने आपके बच्चों ने मिलजुल कर गीत भजन गाए हैं, स्तुति आराधना की आपके स्वर्ग राज्य में कबूल हो जाए। अपने दास दासी के बदन बच्चे 7 साल के कलेश काल के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है प्रभु,
होने दे पिता परमेश्वर, जो अपने अपने दास दासी के वसीले से खुदावंद आपने अपने वचन में से खुदावंद जो 7 साल की महाकलेश की चर्चा की है प्रभु, किताबों को और खुदा प्रकाशित वाक्य की किताबें जो बहुत कुछ जो है महाकलेश के बारे में बताती है, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और जिन्होंने वचन को बड़े ध्यान से साथ सुना है उनको बड़ी आशीष दे पिता, तैयार हो जाए आपके साथ उठाए जाने के लिए, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बड़ी आशीष दे, ओ प्रभु जी अपनी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, होने दे प्रभु जी, जो कोरोना का कहर चारों तरफ बढ़ रहा है पिता परमेश्वर अपनी प्रजा को बचा लीजिए, मानते दुनिया में पिता परमेश्वर लोग आपको मानते नहीं, आपको दुखी करते हैं, आपके दिल को दुखाते हैं, बेशक पिता परमेश्वर मानते हैं कि दुनिया के लोग आपको मानते नहीं, आपके दिल को दुखाते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, इशारे को समझे और लोग बदल जाए, आप तो चाहते हैं कि लोग मेरे इशारों को मेरे वचन को समझे और मेरी ओर मुड़ आए, हम मानते हैं दुनिया में नशा बढ़ रहा है, मूर्ति पूजा बढ़ रही है, घमंड बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, फिर भी हम मानते हैं प्रभु जी दुनिया में संसार में नशा बढ़ रहा है, मूर्ति पूजा बढ़ रही है, घमंड बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, इंसान जमीन पर बोझ सा लगने लगा है, ओ प्रभु जी इसलिए आपको इंसान जो है जमीन पर धरती पर बोझ लगने लग गया है, आपके दास होने के नाते आपसे मिन्नत करते हैं, फिर भी प्रभु जी हम आपके दास होने के नाते आपसे मिन्नत करते हैं, आखिरकार ये प्रजा आप ही की तरह रंजी की है, कृपा करें इस प्रजा पर, कृपा कीजिए हमारे देश हिंदुस्तान पर, कृपा करें हमारे पूरे लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान पर, कृपा करें दुनिया के देशों पर, कृपा करें पूरी दुनिया के देशों पर, कृपा कीजिए कोरोना के कहर से लोगों को बचा ले, सब जगह से कोरोना के कहर से अपने लोगों को बचा ले, डेली लोग हजारों हजार मारे जा रहे हैं, कितने डेली लोग जो है हजारों हजारों मारे जा रहे हैं, करो प्रभु कृपा करो प्रभु, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब मंत्रियों केंद्रीय मंत्रियों पर कृपा करो, ओ पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सारे केंद्रीय मंत्री पर दया करो, कृपा करो प्रभु, इस घड़ी में देश को कैसे चलाना है उनको समझाइए प्रभु जी, इस घड़ी में देश को कैसे चलाना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल सब मंत्रियों पर कृपा करो, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों पर दया कीजिए, कृपा करो सारी दुनिया पर, कृपा कीजिए हमारे लुधियाना पर, हमारे पेटावर की कलीसिया पर कृपा, हमारे हम सारे हमारे लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान पर कलीसियाओं पर दया करें प्रभु, पेटावर की सारी कलीसिया पर दया करें, पेटावर की सारी कलीसिया पर दया करें, सब लोग यीशु मसीह के नाम में चंगा भला रखें पिता, सब कलीसियाओं में सब जगह पर सबको सुख शांति तंदुरुस्ती रखें पिता, हमें सब लोग के विश्वास को बढ़ाना, पेटावर की सारी कलीसिया के विश्वास को बढ़ाना, सारे आपके वचन पर चलते जाएं पिता, सबके सब आपके वचनों पर चलते, कोई भी उस 7 साल के कलेश तक ना पहुंचे प्रभु, कोई भी उस 7 साल के कलेश तक ना पहुंचे, हम सब आपके साथ उठा लिए जाए, जब आप बादलों में हवा में आए हम सब जन आपके साथ उठा लिए जाए, सब कुछ दिन के लिए तैयार कर लो, हम सबको उस दिन के लिए तैयार करें प्रभु, सारी सिपदारों को सारी हजारों लाखों करोड़ लोगों तक आपके पैगाम को पहुंचाने पाए प्रभु जी, कृपा तेरी दया मांगते हैं, तेरी कृपा तेरी दया को मांगते हैं प्रभु, प्रभु जी हमें फिर वीरवार को ऑनलाइन वर्शिप में मिलने का फजल देना, तेरी मर्जी हो प्रभु जी हमें फिर से वीरवार ऑनलाइन सर्विस में शामिल होने का फजल देना, धन्यवाद पिता सारी दुआएं सुनने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी सारी दुआओं को सुनने के लिए, सुनो के लिए दुआ करते जो कलीसिया में बीमारी की हालत में है प्रभु, हम
भाई सोनू के लिए दुआ करते हैं जो बीमारी की हालत में है प्रभु। मसीह के लहू के द्वारा उस पर दया कर दो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पर दया करो। सोनू मुंडिया को इस मसीह के नाम में चंगा भला कर दो। उस भाई सोनू मुंडिया को खुदा यीशु के नाम में चंगा भला कर दो। चमत्कार उसके परिवार के जीवन में कर दो। एक बड़ा चमत्कार उस परिवार के जीवन में कर दो। सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। आमेन आमेन। हमारी खुदावंदी यीशु मसीह का बचा आपकी मोहब्बत पाकर की शनाख्त वक्त अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ खुदा के सब मुकद्दस लोगों के साथ सदा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। सबको बड़ी बड़ी बरकत के नाम में आप सब प्रवेश न करने। कोई भी जन उस 7 साल के महाकलेश में प्रवेश ना करने पाए। इतना कलेश जो आपने ना दुनिया में देखा ना कभी देखोगे। इतना महाकलेश जो हमने आज पढ़ा ना दुनिया में देखा और ना कभी उसके बाद होगा। दुनिया में होगा, सारी दुनिया में वो कलेश होगा। आप सब पर कृपा करें। इसलिए परमेश्वर आप सबो पर कृपा करें। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਔਰ ਹਾਲ ਦਾ ਇਸ ਭਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਭਜਨ बदलाते आवेगा रूह पाक दी कलीसिया उठावेगा यीशु राजा जदों बदलाते आवेगा रूह पाक दी कलीसिया उठावेगा जदों बदला से आवेगा रूह पाक दी कलीसिया उठावेगा उठावेगा।
वशियां दियां जमैश दे सत साल योने दिन दुख तकलीफां दे विश्वशियां दियां जमैश दे जो बदला ते आवेगा रूपाक दी कलीसिया उठावेगा यीशु राजा जो बदला ते आवेगा रूपाक दी कलीसिया उठावेगा बंद बंद कट्टे जाने उदों विश्वासियां वक्त अजिहा बन जावेगा बंद बंद कट्टे जाने उदों विश्वासियां दे वक्त अजिहा बन जावेगा जित लेगा बाजी जेड़ा सिर कटवावे जित लेगा बाजी जेड़ा सिर कटवावे सच्ची बाणी दा विकाल पै जावेगा यीशु राजा जदों बदला ते आवेगा रूपाक दी कलीसिया उठावेगा यीशु राजा जदों बदला ते आवेगा रूपाक दी कलीसिया उठावेगा ये सारियां गल्लां बीतण तो बाद की होवेगा होना एने आ पोथियां खुल जानियां यीशु अगे हर गोडा नेवेगा होना एने आ पोथियां खुल जानियां यीशु अगे हर गोडा नेवेगा मिले आना नाम जी दा जीवन दी पोथी विचों मिले आना नाम जी दा जीवन दी पोथी अग दौज कांदी विच सड़ जावेगा यीशु राजा जदो बदला ते आवेगा रूपाक दी कलीसिया उठावेगा प्यारे भैणों ते भरावो तुसी जो ये शब्द सुनने वास्ते जा रहे हो ये शब्द पवित्र बाइबल दे विचों लिया गया है और इस भजन दे विच अंत समय दा हाल दस्या होया है कि अंत समय विच की होवेगा आओ असी इस भजन ते मनन करांगे जदों बदला ते आवेगा रूपाक दी कलीसिया उठावेगा यीशु राजा जदों बदला ते आवेगा रूपाक दी कलीसिया उठावेगा हद हो जावेगी बाजी दे वाली हद हद हो जावेगी बाजी दे वाली हद प्यार दिलां चों खत्म हो राजा जदो बदला ते आवेगा रूपाक दी कलीसिया उठावेगा
बदलाते आवेगा रूपाक दी कलीसिया।